नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र साहू आप सभी का स्वागत करता हूं बघेल ट्यूटोरियल के इस ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ की लोक कला संस्कृति। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे व्यापम के द्वारा लिए जाने वाले एग्जाम की बात करें, चाहे CGPSC के द्वारा लिए जाने वाले एग्जाम की बात करें। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो आज हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे छत्तीसगढ़ की लोक कला संस्कृति। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोक पर्व। है आज के हमारे टॉपिक में, अर्थात छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोक पर्व में हम लोग देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन से पर्व को किस किस मंथ में किस तिथि को मनाया जाता है, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोक पर्व। है ना, हम लोग शुरू करते हैं जी छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोक पर्व। चलिए, ठीक है, छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोक पर्व, प्रमुख लोक पर्व, छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोक पर्व। ठीक है, चलो इसमें आज हम लोग को पढ़ना है कि कौन कौन से पर्व को किस किस मंथ में, है ना, और किस किस तिथि को मनाया जाता है। चलो अब इसको शुरू करने से पहले आपको ध्यान देना है, कुछ कुछ शब्दावलियां हैं, टर्मिनोलॉजी से इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जो हमारे भी आगे काम आने वाला है। चलो, आप सभी को पता होगा पूर्णिमा। ठीक है, पूर्णिमा आप सभी को पता होगा। पूर्णिमा के दिन क्या होता है, जिस दिन चंद्रमा चंद्रमा पूरी तरह से दिखाई देता है। ठीक है, चंद्रमा है वो पूरी तरह से दिखाई देता है पूर्णिमा के दिन। और अमावस्या, ठीक है, अमावस्या के दिन क्या होता है, अमावस्या के दिन चंद्रमा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। ठीक है, चंद्रमा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। आप लोग नोट्स वगैरह पकड़ कर बैठिएगा, आप लोग भी इसको लिखते चलिए। ठीक है, तो पूर्णिमा अर्थात जिस दिन चंद्रमा पूरी तरह से दिखाई देता है, और अमावस्या अर्थात जिस दिन चंद्रमा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। ठीक है, चलो ध्यान रखना है। अब आपको ध्यान रखना जी शुक्ल पक्ष। ठीक है, शुक्ल पक्ष, ये शुक्ल पक्ष क्या होता है, तो इस शुक्ल पक्ष को हम छत्तीसगढ़ी में क्या कहा जाता है, अंजोरी पाक। ठीक है, शुक्ल पक्ष को छत्तीसगढ़ी में अंजोरी पाक कहा जाता है, ध्यान रखना है, है ना। और एक आएगा कृष्ण पक्ष, तो कृष्ण पक्ष को छत्तीसगढ़ी में क्या कहा जाता है, कृष्ण पक्ष को छत्तीसगढ़ी में अंधियारी पाक कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी, अंधियारी पाक। ठीक है, अंजोरी पाक और अंधियारी पाक। अब ये क्या होता है, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, अभी हम लोग देखेंगे, यहाँ तक क्लियर है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूरी तरह से अच्छे से दिखाई देता है, है ना, और अमावस्या के दिन चंद्रमा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। शुक्ल पक्ष को छत्तीसगढ़ी में अंजोरी पाक कहते हैं, और कृष्ण पक्ष को छत्तीसगढ़ी में अंधियारी पाक कहा जाता है। समझ आ गया यहाँ तक। अब देखो ये शुक्ल पक्ष क्या होता है, देखो ये हो जाएगा पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूरी तरह से दिखाई देता है, मैंने आप लोगों को बताया है ना, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा है वो पूरी तरह से दिखाई देता है। और पूर्णिमा के बाद से क्या होता है, चंद्रमा है धीरे धीरे दिखाई देना कम होता है। ठीक है, 15वें दिन तक आते आते चंद्रमा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। तो जिस दिन चंद्रमा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता उसको क्या बोलते हैं, उसे कहा जाता है अमावस्या। क्या कहा जाता है, अमावस्या। जिस दिन चंद्रमा पूरी तरह से दिखाई देता है उसे पूर्णिमा कहते हैं, और जिस दिन चंद्रमा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता उसे अमावस्या कहा जाता है। तो पूर्णिमा और अमावस्या के बीच के ये जो ड्यूरेशन है या समय है ना, इसी को कहा जाता है, इसी को क्या कहा जाता है, कृष्ण पक्ष कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, कृष्ण पक्ष कहते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, तो पूर्णिमा और अमावस्या के बीच के जो समय अंतराल है, इसी को कृष्ण पक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कृष्ण पक्ष कहा जाता है। ठीक है, चलो अब उसके बाद अमावस्या के बाद क्या होगा, चलो ठीक है, अमावस्या के बाद फिर से क्या होगा, फिर से चंद्रमा धीरे धीरे से फिर से अच्छे से दिखाई देना शुरू होगा, और 15वें दिन चंद्रमा पूर्ण रूप से दिखाई देगा। ठीक है, 15वें दिन चंद्रमा है वो पूर्ण रूप से दिखाई देगा, और उसी दिन को हम लोग क्या कहेंगे, पूर्णिमा कहेंगे। ठीक है, तो ये कौन सा दिन है, ये अमावस्या है और ये क्या हो जाएगा, पूर्णिमा। तो अमावस्या और पूर्णिमा के बीच का जो ड्यूरेशन है या समय है ना, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है जी शुक्ल पक्ष। क्या कहा जाता है, शुक्ल पक्ष। आपको इसको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी तक क्या क्या पढ़े, पूर्णिमा चंद्रमा जिस दिन पूरी तरह से दिखाई देता है, अमावस्या का दिन चंद्रमा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है, शुक्ल पक्ष को अंजोरी पाक कहा जाता है, कृष्ण पक्ष को अंधियारी पाक कहा जाता है, है ना, और पूर्णिमा और अमावस्या के बीच का जो समय है उसको कृष्ण पक्ष कहते हैं, ध्यान रखना है ना, 15-15 दिन का होता है, और अमावस्या से पूर्णिमा के बीच का जो समय है उसको शुक्ल पक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शुक्ल पक्ष, और ध्यान रखना शुक्ल पक्ष को अंजोरी और कृष्ण पक्ष को अंधियारी पाक कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में। ठीक है, चलो अब उसके बाद देखते हैं कौन कौन सा पर्व मनाया जाता है हमारे छत्तीसगढ़ में। तो उसको देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि हिंदू महीनों के नाम, है ना, तभी तो हम लोग देखेंगे कि सभी महीनों में कौन कौन सा पर्व मनाया जाता है, तो आप सभी को याद भी होना चाहिए और आपको याद भी करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो तो हम लोग देखते हैं पहले हिंदू महीनों के नाम। ठीक है, हिंदू महीनों के नाम देखते हैं हम लोग।
हिंदू महीनों के नाम आप सभी को याद भी होना चाहिए और मैं आशा कर रहा हूँ याद भी होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग छत्तीसगढ़ अंचल से ही है। चलो तो हिंदू महीनों के नाम चैत्र हो जाएगा, चैत्र चैत्र हो जाएगा, ठीक है, वैशाख हो जाएगा, चैत्र वैशाख। तीसरा हो जाएगा ज्येष्ठ, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ। चौथा हो जाएगा आषाढ़, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़। पांचवा हो जाएगा सावन, ठीक है। छठवा क्या हो जाएगा? भादो। सातवा क्या हो जाएगा? कुमार, ठीक है, कुमार या कुंवर, है ना। और आठवा क्या हो जाएगा? कार्तिक। नौवा क्या हो जाएगा? नौवा मंथ तो अघन, ठीक है, अघन। उसके बाद पौष हो जाएगा, अघन के बाद पौष। पौष के बाद हो जाएगा माघ। माघ के बाद क्या हो जाएगा? फाल्गुन। क्या हो जाएगा? फाल्गुन। तो ये क्या है, हमारे हिंदी महीनों के नाम है। तो अभी हमको इन्हीं सभी हिंदी महीनों के आधार पर कौन कौन सा पर्व हमारे छत्तीसगढ़ अंचल में मनाया जाता है उसको देखेंगे, ठीक है। तो चलो बिना समय व्यतीत किए हम लोग देखते हैं कौन कौन से पर्व कौन कौन से मंथ में मनाया जाता है, ठीक है। चलो तो सबसे पहले देखते हैं चैत्र माह में, ठीक है। आप लोग पूरा नोट्स बनाते चलिएगा चैत्र माह में, है ना, पहले एक बार समझ लो उसके बाद लिखेंगे। चैत्र माह तो आपको ध्यान रखना है, चैत्र माह में शुक्ल पक्ष, ठीक है, चैत्र माह में हो जाएगा शुक्ल पक्ष। चैत्र माह में शुक्ल पक्ष नवमी, ठीक है जी, चैत्र माह में शुक्ल पक्ष नवमी। शुक्ल पक्ष नवमी को कौन सा पर्व मनाया जाता है? रामनवमी। कौन सा पर्व? तो रामनवमी, ध्यान रखना है जी। चैत्र माह में शुक्ल पक्ष नवमी को रामनवमी पर्व का आयोजन होता है और इस रामनवमी के अवसर पर छत्तीसगढ़ में चार जगह पे, ठीक है, छत्तीसगढ़ में चार जगह में मेले का आयोजन होता है, ठीक है। मेले का क्या होता है? आयोजन होता है इस रामनवमी के अवसर पर छत्तीसगढ़ के चार जगह में मेले का क्या होता है जी? आयोजन होता है। अब ये चार जगह कौन कौन से है, ठीक है, अब ये चार जगह कौन कौन से है ध्यान देना आप लोगों को। पहला, ठीक है, पहला हो जाएगा खल्लारी, ठीक है, पहला हो जाएगा खल्लारी। दूसरा क्या हो जाएगा आपको ध्यान रखना है? दूसरा हो जाएगा आपका डोंगरगढ़, ठीक है, डोंगरगढ़। तीसरा आपको ध्यान रखना है, तीसरा आपको ध्यान रखना है भोरमदेव, ठीक है, भोरमदेव। और चौथा आपको ध्यान रखना है, चौथा आपको ध्यान रखना है जी, खल्लारी हो जाएगा, डोंगर हो जाएगा और भोरमदेव हो जाएगा और चौथा हो जाएगा डभरा। क्या हो जाएगा? डभरा, ठीक है, डभरा, क्लियर है। तो खल्लारी कौन से जिले में व्यवस्थित है? तो महासमुंद हो जाएगा, खल्लारी महासमुंद में है। डोंगरगढ़ कहाँ है? राजनांदगांव में है। कहाँ है? राजनांदगांव में है, ठीक है। भोरमदेव कहाँ है? आप सभी को पता है कबीरधाम में हो जाएगा, भोरमदेव, है ना, कबीरधाम। और डभरा कहाँ है? तो डभरा कहाँ है आपको, आप सभी को पता होगा, शक्ति, ठीक है, शक्ति। तो इन चारों जगह में रामनवमी के अवसर पर मेला होता है, पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं चैत्र माह में मनाया जाने पर, तो हम लोग देखें चैत्र माह में शुक्ल पक्ष नवमी को रामनवमी का आयोजन होता है ना। और इस रामनवमी के अवसर पर छत्तीसगढ़ में चार जगह में मेले का आयोजन होता है, कहां कहां? खल्लारी, डोंगरगढ़, भोरमदेव और डभरा। खल्लारी महासमुंद में, डोंगरगढ़ राजनांदगांव में, भोरमदेव कबीरधाम में और डभरा कहां है? शक्ति में है, ठीक है, ध्यान रखना। चलो हो गया। अब दूसरा आपको ध्यान रखना, इसी चैत्र माह में अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं, है ना, ये मैं मैप बना दे रहा हूं, ठीक है। छत्तीसगढ़ में टोटल पांच संभाग है, है ना, पांच संभाग है टोटल। ये हमारा हो जाएगा सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग, ये रायपुर संभाग, ये हो जाएगा दुर्ग संभाग और ये हो जाएगा हमारा बस्तर संभाग, ठीक है। तो चैत्र माह में छत्तीसगढ़ में सरगुजा संभाग में, सरगुजा अंचल में, ठीक है, सरगुजा अंचल में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो सरहुल त्यौहार। कौन सा त्यौहार? सरहुल त्यौहार, ठीक है। चैत्र माह में सरगुजा अंचल में सरहुल त्यौहार मनाया जाता है। और आपको ध्यान देना है बस्तर अंचल में, ठीक है, बस्तर अंचल में, अर्थात उत्तरी और दक्षिणी छत्तीसगढ़ की बात करें, है ना, तो उत्तरी छत्तीसगढ़ अर्थात सरगुजा अंचल में सरहुल पर्व और बस्तर अंचल में चैत्र माह में माटी त्यौहार, कौन सा त्यौहार? माटी त्यौहार मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार जी? माटी त्यौहार मनाया जाता है, ध्यान रखना है। समझ में आ गया, ठीक है। तो चैत्र माह में सरगुजा अंचल में सरहुल पर्व और बस्तर अंचल में माटी त्यौहार मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार? तो माटी त्यौहार, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसी माटी त्यौहार को ही बीज पुटनी, ध्यान रखना, इसी माटी त्यौहार को बीज पुटनी त्यौहार के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? बीज पुटनी त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है। देखो अब इसके बारे में विशेष बातें क्या है, मैं आगे वाले जो भी इसके बाद जो भी पार्ट आएगा उसमें बताऊंगा। अभी बस मैं आपको बता रहा हूं कि कौन कौन से मंथ में कौन सी तिथि को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। चलो तो चैत्र माह में शुक्ल पक्ष नवमी को रामनवमी, इस रामनवमी के अवसर पर हमारे छत्तीसगढ़ में चार जगह मेले का आयोजन होता है, खल्लारी, डोंगरगढ़, भोरमदेव और डभरा, ठीक है। उसके बाद देखिए इसी चैत्र माह में सरगुजा अंचल में सरहुल पर्व मनाते हैं और बस्तर अंचल में माटी त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है बस्तर जिला में, ठीक है, बस्तर जिला में चैत्र माह में बस्तर जिला में कौन सा त्यौहार मनाते हैं? चैत्रही। कौन सा त्यौहार? चैत्रही, ध्यान रखना, ठीक है। बस्तर जिला में चैत्र माह में चैत्रही पर्व का आयोजन होता है और इसको कौन लोग मनाते हैं? तो परजा, ठीक है, परजा एवं धुरवा जनजाति के द्वारा। ये जो परजा एवं धुरवा जनजाति है बस्तर की प्रमुख जनजाति है, तो इसी जनजाति के द्वारा, ठीक है, चैत्र माह में बस्तर में चैत्रही पर्व मनाया जाता है। समझ में आ गया। रामनवमी सरगुजा अंचल में,
कहां? सरगुजांचल में तो सरहुल, बस्तर अंचल में माटी त्योहार, उसी को बीज पुटनी त्योहार के नाम से जानते हैं। बस्तर जिला में कौन सा पर्व? तो चैत्रई पर्व। कौन से जनजाति के द्वारा? परजा एवं धुरवा जनजाति के द्वारा। चलो अब उसके बाद आपको ध्यान रखना, यहाँ ये हमारा कौन सा जिला है? ये हमारा सुकमा जिला है। कौन सा जिला है जी? सुकमा जिला। ठीक है, ये हमारा सुकमा जिला है। सुकमा जिला में कौन सा पर्व मनाते हैं? ध्यान रखना है, सुकमा जिला में कौन सा पर्व मनाते हैं? सुकमा जिला में एक विकास खंड है, छिंदगढ़ विकास खंड। ठीक है, तो छिंदगढ़ विकास खंड में गोबर बोरौनी पर्व का आयोजन होता है। ठीक है, कौन से माह में? चैत्र माह में। ठीक है, तो चैत्र माह में सुकमा जिला के छिंदगढ़ विकास खंड। ठीक है, सुकमा जिला के छिंदगढ़ विकास खंड में। ठीक है, सुकमा जिला के छिंदगढ़ विकास खंड में कौन सा पर्व का आयोजन होता है? तो आपको ध्यान रखना है जी, गोबर बोहरौनी। ठीक है, गोबर बोहरौनी। अब ये पर्व में क्या होता है मैं आगे नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। ठीक है, अभी बस हम लोग देख रहे हैं कि कौन कौन सा पर्व कौन कौन से मंथ में मनाते हैं। समझ में आ गया? तो चैत्र माह में शुक्ल पक्ष नवमी, रामनवमी, सरगुजा अंचल में सरहुल पर्व, बस्तर अंचल में माटी त्योहार, और स्पेशली बस्तर जिला में तो चैत्री पर्व हो जाएगा, है ना, और सुकमा के छिंदगढ़ विकास खंड में गोबर बोहरौनी पर्व का आयोजन होता है चैत्र माह में। इसको आपको अच्छे से याद रखना है। समझ में आ गया? अभी तक क्या क्या बताया हूं? पूर्णिमा चंद्रमा पूरी तरह से दिखाई देगा, अमावस्या के दिन बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। शुक्ल पक्ष को छत्तीसगढ़ में अंजोरी पाक कहते हैं, कृष्ण पक्ष को अंधियारी पाक कहा जाता है। पूर्णिमा और अमावस्या के बीच के जो समय है उसको कृष्ण पक्ष कहते हैं, और अमावस्या से पूर्णिमा के बीच के समय को शुक्ल पक्ष कहा जाता है। फिर हम लोग देखे हिंदी महीनों के नाम के बाद हम लोग देखे पर्टिकुलर एक एक मंथ हम लोग पढ़ना शुरू किया, जिसमें पहला मंथ हम लोग देख रहे हैं चैत्र माह। चैत्र माह में ये पांच पर्व देख लिए, रामनवमी हो जाएगा, सरहुल हो जाएगा, और माटी त्योहार हो जाएगा, और बस्तर में चैत्री हो जाएगा, और सुकमा के छिंदगढ़ विकास खंड में गोबर बोरौनी। होपफुली आप सभी को चैत्र माह का समझ में गया होगा और आप लोग नोट भी कर लिए होंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं दूसरा, चैत्र के बाद कौन सा माह आएगा? दूसरा चलते हैं हम लोग वैशाख माह। ठीक है, चैत्र के बाद हम लोग चलते हैं वैशाख माह। चलो ये आप लोग लिख चुके होंगे तो मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, चलिए क्लियर है यहां तक सभी को? अब हम लोग चलते हैं वैशाख माह में, ये क्लियर है ना सभी को? चलो अब दूसरा चलते हैं, दूसरा वैशाख माह। ठीक है, दूसरा वैशाख माह, तो वैशाख या वैशाख माह। ठीक है, चलो आपको ध्यान देना है वैशाख माह। ठीक है, तो वैशाख माह में शुक्ल पक्ष तृतीया। ठीक है, वैशाख माह में ये सब जो तिथि बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है, तो वैशाख माह में शुक्ल पक्ष तृतीया, वैशाख माह में शुक्ल पक्ष तृतीया को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? अक्षय तृतीया। कौन सा त्यौहार? अक्षय तृतीया। कौन सा त्यौहार जी? अक्षय तृतीया। इसी अक्षय तृतीया को ग्रामीण अंचल में अक्ति त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? अक्ति त्यौहार। और इसी पर्व को ही पुत्रा पुत्री, ठीक है, पुत्रा पुत्री पर्व के नाम से भी जानते हैं, पुत्रा पुत्री या गुड्डा गुड्डी। ठीक है, पुत्रा पुत्री या गुड्डा गुड्डी पर्व के नाम से भी इसको जानते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, ये क्लियर है? तो वैशाख माह में शुक्ल पक्ष तृतीया को अक्षय तृतीया कोई अक्ति त्योहार या पुत्रा पुत्री या गुड्डा गुड्डी पर्व के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब देखो पुत्रा पुत्री या गुड्डा गुड्डी पर्व कैसे है? इस दिन जो बालक लोग होते हैं, जो बच्चे लोग है ना, वो लोग पालक बन जाते हैं, पालक अर्थात माता पिता बन जाते हैं, और अपने जो छोटे छोटे जो गुड्डा गुड्डी है उनको क्या करते हैं? विवाह कराते हैं। इसलिए इसको गुड्डा गुड्डिया पुत्रा पुत्री विवाह के नाम से भी जाना जाता है। समझ में आ गया? ठीक है, तो ध्यान रखना है। चलो अब उसके बाद देखते हैं वैशाख माह में हम लोग देख लिए अक्षय तृतीया, शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाते हैं। अब ध्यान रखना है वैशाख माह में बस्तर अंचल में। ठीक है, वैशाख माह में बस्तर अंचल में कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो वैशाख माह में बस्तर अंचल में मनाते हैं जी अरवा तीज। कौन सा पर्व? तो अरवा तीज। ठीक है, तो अरवा तीज पर्व का आयोजन किस माह में होता है? तो वैशाख माह में होता है। कहां होता है? तो बस्तर अंचल में होता है। अब ये विशेष बातें क्या है मैं आगे क्या नहीं क्लास में बताऊंगा। ठीक है, सुन ले रहा हूं क्या होता है अरवा तीज में। बस्तर अंचल में जो निवास करने वाली जो अविवाहित लड़कियां होती है वो लोग क्या करती है अरवा तीज के दिन आम के जो वृक्ष है उसकी डाली से मंडप का निर्माण करती है, विवाह के मंडप का निर्माण करती है, और विवाह के जितने भी जो संस्कार होते हैं ना उन सभी संस्कार को निभाती है। यही इसी पर्व को बोला जाता है अरवा तीज। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है कि अरवा तीज को किस अंचल में मनाया जाता है? तो बस्तर अंचल में। किसके द्वारा? तो अविवाहित महिलाएं युवतियों के द्वारा मनाया जाता है। समझ में आ गया? चलो ठीक है, तो चैत्र माह में देख रहे हैं, चैत्र माह में शुक्ल पक्ष नवमी रामनवमी, है ना, बस्तर अंचल में माटी त्योहार, सरगुजा अंचल में सरहुल त्योहार, बस्तर में चैत्री, और सुकमा के छिंदगढ़ विकास खंड में क्या? गोबर बोहरौनी। वैशाख में शुक्ल पक्ष तृतीया, अक्षय तृतीया, गुड्डा गुड्डी या पुत्रा पुत्री पर हो जाएगा, है ना। और उसके बाद देखिए बस्तर अंचल में अरवा तीज हो जाएगा। ठीक है, चैत्र वैशाख हो गया। तीसरा आते हैं हम लोग ज्येष्ठ माह, है ना, तीसरा हम लोग आते हैं ज्येष्ठ माह। ठीक है, ज्येष्ठ माह
इस माह से हमारे सीजीपीएससी क्वेश्चन कर चुका है, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज्येष्ठ माह में आपको तिथि याद रखना है शुक्ल पक्ष दशमी, ठीक है, शुक्ल पक्ष दशमी, ये सब तिथि को बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। शुक्ल पक्ष दशमी, ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष दशमी को कौन सा पर्व मनाते हैं, आपको ध्यान रखना है गंगा दशहरा, ठीक है, गंगा दशहरा पर्व। ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष दशमी को गंगा दशहरा पर्व का आयोजन होता है, कहाँ होता है, कहाँ होता है, ये आपको ध्यान रखना है चिरमिरी, ठीक है, चिरमिरी और बैकुंठपुर वाले क्षेत्र में, चिरमिरी एवं बैकुंठपुर वाले क्षेत्र में, ठीक है, कहाँ स्थित है, कोरिया जिले में स्थित है, ठीक है, चिरमिरी एवं बैकुंठपुर क्षेत्र में ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष दशमी को गंगा दशहरा का आयोजन किया जाता है, ठीक है। देखो इस पर्व में क्या होता है, देखो वहां अर्थात कहां चिरमिरी एवं बैकुंठपुर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों का यह मान्यता है कि इसी दिन अर्थात किस दिन, शुक्ल पक्ष दशमी के दिन जो गंगा माता है वो देवलोक से पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं, ऐसा करके है ना, ऐसा मानते हैं। और गंगा माता के सम्मान में वो लोग आसपास के जितने भी जो तालाब है, पोखर है, वहां जाकर स्नान करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, और ऐसे भी मान्यता है उनकी कि जब वो लोग स्नान करेंगे तो उनके सारे पाप धुल जाएंगे, ठीक है। तो ये सबको मानते हुए, ये सबको मानते हुए वो सब क्या है, वहां रहने वाले जो लोग हैं शुक्ल पक्ष दशमी को गंगा दशहरा पर्व मनाते हैं, ध्यान रखना है। और ये क्वेश्चन हमारे सीजीपीएससी में पूछा जा चुका है कि गंगा दशहरा पर्व का आयोजन किस माह में होता है, तो ज्येष्ठ माह में। अब याद कैसे करोगे, याद कैसे करोगे, ध्यान रखना इसको, याद रखना गंगा माँ की जय, ठीक है, गंगा गंगा माँ की जय, ठीक है, गंगा माँ की जय, ऐसे याद रखना। और जैसे याद रखना ज्येष्ठ और ये गंगा दशहरा, ठीक है, गंगा से गंगा दशहरा और जैसे हो जाएगा ज्येष्ठ, क्लियर है, ठीक है। तो ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष दशमी को गंगा दशहरा पर्व चिरमिरी बैकुंठपुर क्षेत्र में, ठीक है। अब इसी में ध्यान रखना ज्येष्ठ माह में, ज्येष्ठ माह में हम लोग बात करेंगे बस्तर अंचल में, ठीक है, ज्येष्ठ माह में बस्तर अंचल में, बस्तर अंचल में कौन सा पर्व मनाया जाता है, आपको ध्यान देना है जी, ज्येष्ठ माह में बस्तर अंचल में भीमा जात्रा पर्व, कौन सा पर्व, तो भीमा जात्रा पर्व, ठीक है, भीमा जात्रा पर्व। ये जो भीमा जात्रा पर्व है इसको स्पेशली दोरला जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, किस जनजाति के द्वारा, तो दोरला जनजाति। इसके बारे में डिटेल क्या है, क्या होते हैं भीमा जात्रा पर्व, मैं आगे वाले क्लास से बताऊंगा, है ना, मैं बस अभी कौन कौन से मंथ में कौन सी तिथि को कौन सा पर्व मनाते हैं ये सब बता रहा हूं बस, है ना। चलो तो ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष दशमी को गंगा दशहरा पर्व और बस्तर अंचल में भीमा जात्रा पर्व मनाया जाता है, ठीक है, ये हो जाएगा ज्येष्ठ हो जाएगा। तो चैत्र वैसाख ज्येष्ठ अवती, चौथा क्या हो जाएगा, आषाढ़ माह, ठीक है जी, आषाढ़ माह, आषाढ़ माह ध्यान रखना है, आषाढ़ माह आप सभी को पता होगा, आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष द्वितीया, ठीक है, आपको ध्यान रखना है आषाढ़ माह, ठीक है, आषाढ़ माह में आपको ध्यान रखना है जी, आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष द्वितीया, ठीक है, आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष द्वितीया, शुक्ल पक्ष द्वितीया, आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष द्वितीया को कौन सा पर्व मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, गोंचा पर्व, कौन सा पर्व, गोंचा पर्व। इसी गोंचा पर्व को किस नाम से जानते हैं, इसी गोंचा पर्व को रथ यात्रा, ठीक है, रथ यात्रा पर्व के नाम से भी जाना जाता है। आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारे बस्तर अंचल में रथ यात्रा पर्व या गोंचा पर्व मनाने की शुरुआत काकतीय वंशी शासक पुरुषोत्तम देव ने किया था, है ना, और ये चीज भी आपको ध्यान रखना है, इसी रथ यात्रा पर्व के दौरान एक वाद्य यंत्र है तुपकी, तुपकी का विशेष महत्व होता है। तुपकी क्या है, तुपकी बांस से बना हुआ एक वाद्य यंत्र होता है जिसे भगवान जगन्नाथ की सलामी देने हेतु चलाया जाता है, समझ में आ गया, ठीक है। तो हो जाएगा वैशाख माह, आषाढ़ माह में, ठीक है, तो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष द्वितीया को गोंचा पर्व या रथ यात्रा पर्व का आयोजन होता है। गोंचा पर्व मनाने की शुरुआत बस्तर अंचल में काकतीय वंशी शासक पुरुषोत्तम देव ने किया था। जब मैं डिटेल जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा इसको, है ना, बस अभी हम लोग देख रहे हैं कौन कौन सा पर्व मनाया जाता है, चलो, ठीक है। आषाढ़ हो गया, तो चैत्र वैसाख ज्येष्ठ आषाढ़, चार माह का हम लोग देख लिए। आषाढ़ के बाद कौन सा माह आएगा जी, सावन, ठीक है, पांचवा सावन, ठीक है। अब देखते हैं पांचवा मंथ सावन के बारे में, सावन मंथ में कौन कौन सा पर्व मनाया जाता है, चलो। अब आपको ध्यान रखना है सावन, सावन में अमावस्या के दिन, ठीक है, सावन मास में, मास में अमावस्या के दिन कौन सा पर्व होता है, हरेली पर्व, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसानों का प्रथम त्यौहार है, और जो हरेली पर्व है वो कृषि पर आधारित पर्व है, आप सभी को पता होगा, ठीक है। जो हरेली पर्व है वो छत्तीसगढ़ में क्या है, इसी हरेली पर्व के दौरान छत्तीसगढ़ में त्योहारों की शुरुआत होती है, है ना, और ये जो हरेली पर्व है छत्तीसगढ़ में कृषि पर आधारित एक पर्व है। इसमें जो किसान अपने खेतों की बुआई करने के बाद, है ना, रुपाई करने के बाद क्या करते हैं, जितने भी जो कृषि उपकरण होते हैं सबको अच्छे से धोते हैं, धोने के बाद उसकी पूजा अर्चना करते हैं और उसके सम्मान में गुढ़ा चीला बनाते हैं, ध्यान रखना। यह भी क्वेश्चन पूछा गया कि गुढ़ा चीला का महत्व किस पर्व में होता है, तो हरेली पर्व में होता है, ठीक है, आगे जब मैं पूरा डिटेल बताऊंगा तो बताऊंगा, अभी बस सुनते रहे, है ना। और इसी दिन हरेली पर्व के दौरान जो किसान लोग हैं कृषि की देवी है कुटकी देवी, कुटकी देवी की पूजा करते हैं, ध्यान रखना है। और जो यादव लोग होते हैं सभी के घर में जाकर नीम की पत्ती को खोजते हैं, जो लोहार लोग होते हैं वो कील को ठोकते हैं घर घर में जाकर, है ना, सभी के घर घर में जाकर कील के पत्ती को खोजते हैं। और बस्तर अंचल में निवास करने वाले जो आदिवासी समुदाय हैं वो लोग हरेली पर्व के दौरान क्या करते हैं, अपने घर के दरवाजे के मुख्य द्वार पर, ठीक है, या अपने घर के मुख्य द्वार पर क्या करती है प्रेत से, है ना, सॉरी गोबर से प्रेत का चित्र बनाती है, ठीक है। आदिवासी समुदाय लोग क्या करते हैं, अपने घर के मुख्य द्वार पर
अपने घर के मुख्य द्वार पर गोबर से प्रेत का क्या बनाती है, आकृति बनाती है। और ऐसा मान्यता है कि जब हम लोग ऐसे आकृति बनाएंगे तो जितने भी जो काली शक्तियों का प्रभाव है क्या होगा, हम पर कम पड़ेगा, क्योंकि हरेली के दिन काली शक्तियां बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, हावी हो जाती है ना। इसीलिए उसके प्रभाव से बचने के लिए आदिवासी समुदाय के लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर, अपने घर के मुख्य दीवार पर क्या करते हैं, गोबर से प्रेत या पशु पक्षियों का चित्र बनाते हैं ताकि काले शक्तियां का प्रभाव कम पड़े। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो, तो सावन माह के अमावस्या को हरेली पर्व मनाया जाता है, ध्यान रखना है। इसी हरेली पर्व के दौरान कबड्डी प्रतियोगिता होता है, नारियल फेंक प्रतियोगिता होता है ना, पढ़ेंगे आगे। चलो ठीक है, तो सावन मास के अमावस्या को हरेली पर्व हो जाएगा। ठीक है, अब सावन माह में शुक्ल पक्ष पंचमी, ध्यान रखना जी, सावन माह में शुक्ल पक्ष पंचमी, सावन माह में शुक्ल पक्ष पंचमी को मनाया जाता है नाग पंचमी। ठीक है, सावन माह में शुक्ल पक्ष पंचमी को नाग पंचमी का आयोजन होता है। और आप सभी को पता होना चाहिए इस नाग पंचमी में नाग की पूजा किया जाता है और नागमत गीत गाया जाता है। कौन सा गीत, तो नागमत गीत। ठीक है, नागमत गीत गाया जाता है इस नाग पंचमी के अवसर पर, ध्यान रखना है। और यह चीज भी आपको ध्यान रखना है कि इस नाग पंचमी के अवसर पर दलहा पहाड़ जो कहां है, दलहा पहाड़ कहां है जी, जांगीर चांपा। दलहा पहाड़ कहां है, जांगीर चांपा। तो दलहा पहाड़ का क्या होता है, मेला लगता है इसी नाग पंचमी के अवसर पर। ठीक है, तो सावन मास की अमावस्या के बाद, मतलब अमावस्या में हरेली पर्व होता है ना, अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष पंचमी को नाग पंचमी मनाया जाता है। और आपको ध्यान रखना है शुक्ल पक्ष, ठीक है, शुक्ल पक्ष नवमी से लेकर, ठीक है, शुक्ल पक्ष नवमी से लेकर कहां तक, पूर्णिमा तक। ठीक है, पूर्णिमा तक, शुक्ल पक्ष नवमी से लेकर पूर्णिमा तक क्या मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कजरी त्यौहार। कौन सा त्यौहार, कजरी त्यौहार। ठीक है, ये सब त्यौहार का नाम आपको ध्यान रखना है जी। सावन माह में शुक्ल पक्ष नवमी से पूर्णिमा तक कौन सा त्यौहार मनाता है, कजरी त्यौहार। ये जो कजरी त्यौहार है ना, ये गेहूं एवं, ठीक है, गेहूं एवं जौ के बुवाई के मौसम को इंगित करता है। ठीक है, गेहूं एवं जौ के बुवाई के मौसम को इंगित करता है, समझ में आ गया। ठीक है, तो सावन मास के शुक्ल पक्ष पंचमी को नाग पंचमी, और इसी नाग पंचमी के अवसर पर जांगीर चांपा में दलहा पहाड़ में मेला लगता है। शुक्ल पक्ष नवमी से पूर्णिमा कजरी त्यौहार, यह जो त्यौहार है गेहूं एवं जौ के बुवाई के मौसम को इंगित करता है। ठीक है, और आपको ध्यान देना है सावन मास की पूर्णिमा को, सावन मास की पूर्णिमा को कौन सा पर्व मनाया जाता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए, रक्षाबंधन। ठीक है, जो भाई एवं बहन के प्रेम का प्रतीक है। ठीक है, सावन मास की पूर्णिमा को रक्षाबंधन का आयोजन होता है, समझ में आ गया। वैशाख मास शुक्ल पक्ष तृतीया, अक्षय तृतीया, बस्तर अंचल में अरवा तीज, ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष दशमी गंगा दशहरा, बैकुंठपुर और चिरमिरी क्षेत्र में, बस्तर क्षेत्र में क्या हो जाएगा, बस्तर क्षेत्र में आपको ध्यान रखना है, बस्तर क्षेत्र में भीमा यात्रा पर्व। उसके बाद आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष द्वितीया को गोंचा पर्व या रथ यात्रा पर्व। फिर सावन में अमावस्या के दिन हरेली, शुक्ल पक्ष पंचमी को नाग पंचमी, नवमी से पूर्णिमा कजरी त्यौहार, और पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन, समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा सावन मास में मनाया जाने वाला पर्व, है ना। अब इसके बारे में विशेष क्या है आगे वाले हम लोग वीडियो में देखेंगे। चलो, सावन तक हो गया, अब देखते हैं लोग भादो। ठीक है, भादो माह में कौन कौन सा पर्व मनाया जाता है, आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से भादो माह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत सारे फेस्टिवल भादो माह में मनाए जाते हैं। चलो देखते हैं भादो माह में कौन कौन सा पर्व मनाया जाता है। ठीक है, होपफुली आप अच्छे से लिख लिए होंगे, है ना। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं भादो माह में कौन कौन सा पर्व मनाया जाता है। चलो मिटा दो इसको। चलो अब देखते हैं भादो माह में। ठीक है जी, भादो माह में सावन को बताते हैं भादो, तो भादो माह में कौन कौन सा पर्व मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है, भादो माह में कृष्ण पक्ष प्रथमा। ठीक है, भादो माह में कृष्ण पक्ष प्रथमा को कौन सा पर्व होता है, आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, भोजली विसर्जन। कौन सा पर्व मनाया जाता है, भोजली विसर्जन। ठीक है, भोजली विसर्जन पर्व, है ना। भादो माह में कृष्ण पक्ष प्रथमा, ध्यान रखना कौन सा पक्ष, तो कृष्ण पक्ष। यहां से भी क्वेश्चन पूछते हैं जी, शुक्ल पक्ष के कृष्ण पक्ष है ना, तो भादो माह में कृष्ण पक्ष प्रथमा को भोजली विसर्जन होता है। ठीक है, ध्यान रखना। और इसी भोजली विसर्जन के समय कौन सा गीत गाते हैं, भोजली गीत गाया जाता है। कौन सा गीत गाया जाता है, भोजली गीत गाया जाता है। और इस भोजली गीत में गंगा माता का नाम बार बार आता है। किसका आता है, तो गंगा माता। ठीक है, गंगा माता का जो नाम है ना, वो बार बार आता है, ध्यान रखना इस भोजली पर्व में। कब मना दे, तो भादो माह में कृष्ण पक्ष प्रथमा। अब आपको ध्यान रखना है, भादो माह में कृष्ण पक्ष चतुर्थी। ठीक है, प्रथमत हो गया, अब कृष्ण पक्ष चतुर्थी। भादो माह में कृष्ण पक्ष चतुर्थी को कौन सा पर्व मनाया जाता है, तो बहुरा चौथ। कौन सा पर्व, बहुरा चौथ। ठीक है, बहुरा चौथ पर्व का आयोजन होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, बहुरा चौथ पर्व का आयोजन होता है, इसमें गणेश जी एवं धर्मपरायण गाय, है ना, धर्मपरायण गाय, बहुरा नामक जो धर्मपरायण गाय, उनकी पूजा किया जाता है बहुरा चौथ में। ठीक है, चलो, तो कृष्ण पक्ष चतुर्थी को बहुरा चौथ का आयोजन होता है। अब उसके बाद आपको ध्यान रखना है, भादो माह में कृष्ण पक्ष षष्ठी को मनाया जाता है जी, हल षष्ठी। कौन सा पर्व, हल षष्ठी पर्व। कृष्ण पक्ष षष्ठी को हल षष्ठी पर्व मनाया जाता है, ध्यान रखना। इसी को एक किस नाम से जानते हैं, कमर छठ।
ठीक है, कमर छठ पर्व के नाम से भी जानते हैं, इसी को हल छठ पर्व के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस पर्व में क्या होता है आप सभी को पता, जितने भी जो संतानवती माताएं होती है वो अपने संतान के दीर्घायु के लिए व्रत रखती है। ठीक है, इस दिन पसहर चावल का विशेष महत्व होता है। वो क्या करते हैं, हल षष्ठी देवी की जो छह प्रकार की कहानियां सुनते हैं जो महिला अलग होते हैं ना, ये आपको ध्यान में रखना है हल षष्ठी पर्व के दौरान। चलो, तो षष्ठी को भादो माह में कृष्ण पक्ष षष्ठी को हल षष्ठी पर्व का आयोजन होता है, और भादो माह में कृष्ण पक्ष अष्टमी है ना, कृष्ण पक्ष अष्टमी, भादो माह में कृष्ण पक्ष अष्टमी को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी है ना, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व का आयोजन होता है, आपको ध्यान रखना है कब, तो कृष्ण पक्ष अष्टमी को, है ना। अब उसके बाद ध्यान देना है भादो माह में, भादो माह में अमावस्या के दिन, ठीक है, भादो माह में अमावस्या के दिन कौन सा पर्व मनाते हैं, तो पोला, कौन सा पर्व मनाया जाता है, पोला, पोला पर्व मनाया जाता है ना। मैंने क्या बताया था, ये पूर्णिमा, पूर्णिमा से जो अमावस्या के बीच के जो समय उसको क्या बोलते हैं जिसको कृष्ण पक्ष बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कृष्ण पक्ष, और अमावस्या से लेकर पूर्णिमा के बीच के जो समय है ना, इसको क्या कहा जाता है, शुक्ल पक्ष कहा जाता है, शुक्ल पक्ष, है ना। अब देखो हम लोग देख रहे हैं कौन सा पक्ष देख रहे हैं, कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष प्रथमा चतुर्थी षष्ठी है ना, ये कृष्ण पक्ष खत्म होगा तो क्या आएगा, अमावस्या आएगा, तभी तो आप बस लिखो मैं अमावस्या है ना। तो भादो माह में अमावस्या के दिन पोला पर्व का आयोजन होता है, कौन सा पर्व, पोला पर्व, पोला पर्व में जो किसान लोग हैं बैलों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए बैलों की पूजा करते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, अब जैसे ये हमारा अमावस्या खत्म हुआ, अमावस्या के बाद कौन सा पक्ष लग जाएगा, शुक्ल पक्ष है ना, तो वही देखते हैं, आप देखते हैं, चलो शुक्ल पक्ष, ठीक है। तो शुक्ल पक्ष तृतीया, भादो माह में शुक्ल पक्ष तृतीया, भादो माह में शुक्ल पक्ष तृतीया को कौन सा पर्व मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है जी, तीजा पर्व, कौन सा पर्व, तीजा पर्व, इसी को ही हरतालिका, ठीक है, तीजा पर्व, इसी को ही हरतालिका पर्व के नाम से भी जाना जाता है। आप सभी को पता होगा तीजा पर्व के बारे में, जितने भी जो विवाहित जो स्त्रियां होती है ना, सुहागिन जो महिलाएं होती है, वो अपने पति के दीर्घायु की कामना के लिए क्या रखती है, निर्जला व्रत रखती है, ठीक है, इस तीजा पर्व के दौरान, इस तीजा पर्व के दौरान वो अपने मायके जाती है, अपने मायके जाने के बाद केले के पत्ते के मंडप से, मतलब केले के पत्ते से मंडप का निर्माण करती है, और उसमें शंकर माता, मतलब शंकर भगवान और माता पार्वती के जो प्रतिमा है उसको स्थापित करते हैं, है ना, और उनकी पूजा करते हैं। उद्देश्य क्या रहता है, तो पति की दीर्घायु की कामना के लिए, है ना, कमरछत बच्चे के दीर्घायु की कामना के लिए, लेकिन ये जो तीजा होता है वो पति की दीर्घायु की कामना के लिए मनाया जाता है। चलो, ये हो जाएगा शुक्ल पक्ष तृतीया को, तीजा है हरतालिका पर्व, है ना। अब ध्यान रखना है इसी भादो माह में शुक्ल पक्ष चतुर्थी को मनता है जी, कौन सा पर्व, गणेश चतुर्थी, कौन सा पर्व, तो गणेश चतुर्थी, ध्यान रखना। और इसी गणेश चतुर्थी के अवसर पर रायगढ़ में चक्रधर समारोह का आयोजन होता है, ध्यान रखना है आप लोग को। और अब भादो माह में जैसे शुक्ल पक्ष जा रहा है, शुक्ल पक्ष के बाद खत्म होने के बाद क्या आएगा, पूर्णिमा आएगा, है ना, तो भादो माह की पूर्णिमा आपको ध्यान रखना है, भादो माह की पूर्णिमा को कौन सा पर्व मनाते हैं, तो नवाखाई पर्व, कौन सा पर्व, नवाखाई पर्व, इस नवाखाई पर्व को गौर जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है, नई फसल के आगमन पर इस नया खाई पर्व को मनाया जाता है, ठीक है। तो हो जाएगा भादो मंथ में ये सभी पर्व को मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्ण पक्ष प्रथमा भोजली विसर्जन, कृष्ण पक्ष चतुर्थी बहुरा चौथ, कृष्ण पक्ष षष्ठी हल षष्ठी या कमर छठ या हल छठ, कृष्ण पक्ष अष्टमी श्री कृष्ण जन्माष्टमी, अमावस्या के दिन पोला, शुक्ल पक्ष तृतीया को तीजा या हरतालिका पर्व, और शुक्ल पक्ष चतुर्थी को गणेश चतुर्थी, और पूर्णिमा के दिन नवाखाई। चलो, अब सावन के बाद भादो के बाद क्या आएगा, कुवार, ठीक है, कुवार माह आएगा, ठीक है, कुवार माह आएगा। चलो, अब कुवार माह में देखते हैं, कुवार माह में आपको ध्यान रखना है कृष्ण पक्ष, ठीक है, कुवार माह में क्या होगा, कृष्ण पक्ष प्रथमा से, है ना, कुवार माह में कृष्ण पक्ष प्रथमा से अमावस्या तक, ठीक है, कृष्ण पक्ष प्रथमा से अमावस्या तक क्या माना जाता है, पितर पक्ष, ठीक है, पितर पक्ष या पितृ पक्ष, पितृपक्ष ध्यान रखना है, पितर पक्ष या पितृ पक्ष, यह होता है कृष्ण पक्ष प्रथमा से अमावस्या, है ना, यह हो जाएगा। अब अमावस्या के बाद क्या आएगा, शुक्ल पक्ष आएगा, है ना, तो ध्यान रखना इसी कुवार माह में शुक्ल पक्ष, अमावस्या के बाद क्या आएगा जी, देखो ये अमावस्या है ना, अमावस्या के बाद क्या आता है, शुक्ल पक्ष आता है, तो अमावस्या के बाद आ गया शुक्ल पक्ष, तो कुवार माह में शुक्ल पक्ष प्रथमा से नवमी कौन सा पर्व होता है, अभी जो चल रहा है, कौन सा पर्व, नवरात्रि पर्व, कौन सा पर्व, तो नवरात्रि पर्व, ध्यान रखना, हमारे छत्तीसगढ़ में नवरात्रि दो बार होता है, चैत्र नवरात्रि और कुवार नवरात्रि, ठीक है, ध्यान रखना। तो कुवार माह में शुक्ल पक्ष प्रथमा से नवमी नवरात्रि हो जाएगा, ठीक है, और शुक्ल पक्ष दशमी ये भी आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, शुक्ल पक्ष दशमी, ठीक है, विजयादशमी, क्या हो जाएगा, विजयादशमी या दशहरा, ठीक है, विजयादशमी या दशहरा पर हो जाएगा, आपको ध्यान देना है। और इसी कुवार माह में पूर्णिमा के दिन, है ना,
देखो शुक्ल पक्ष जैसे खत्म होगा, शुक्ल पक्ष खत्म होगा तो क्या आएगा, पूर्णिमा आएगा। तो कौन माह में पूर्णिमा के दिन कौन सा पर्व मनाया जाता है, तो कौन माह में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है शरद पूर्णिमा। कौन सा पर्व, तो शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा के दिन तस्मय खीर का विशेष महत्व होता है, ठीक है। उसमें चंद्रमा का अमृत वर्षा करके घर में उसको टांग दिया जाता है, खुले जगहों पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो यह हो जाएगा कुंवर माह में मनाया जाने वाला पर्व, ठीक है। तो ये देखिए जी, अभी भादो का कुंवर का, कुंवर के बाद क्या हो जाएगा कार्तिक, ठीक है। बस कुछ और बच गए हैं कुछ महीने, कार्तिक। चलो कार्तिक, कार्तिक माह में क्या होता है, कार्तिक माह में आपको ध्यान रखना है कृष्ण पक्ष तेरस, ठीक है जी। कार्तिक माह में आपको ध्यान रखना है कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष तेरस। कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष तेरस को क्या मनाया जाता है, आप सभी को पता होगा धनतेरस। कि कौन सा पर्व, तो धनतेरस पर्व है ना, धनतेरस पर्व। कृष्ण पक्ष तेरस को धनतेरस है ना। और कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष चौदस, कृष्ण पक्ष चौदस को कौन सा पर्व मनाया जाता है जी, नरक चतुर्दशी, ठीक है। नरक चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी हो जाएगा चौदस में। और आपको ध्यान रखना अमावस्या, ठीक है। अमावस्या के दिन कौन सा पर्व बनता है, सभी का फेवरेट कौन सा पर्व, तो दीपावली, ठीक है। दीपावली पर्व का आयोजन हमारे कार्तिक माह में अमावस्या के दिन होता है, ठीक है, दीपावली। अब अमावस्या के बाद क्या आएगा, अमावस्या तो हो गया, अमावस्या के बाद फिर से शुक्ल पक्ष आएगा। तो शुक्ल पक्ष है ना, कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष प्रथमा, शुक्ल पक्ष प्रथमा को कौन सा पर्व होता है, आपको ध्यान रखना है कौन सा पर्व, तो गोवर्धन पूजा, ठीक है। गोवर्धन पूजा हमारे छत्तीसगढ़ में माननीय श्री भूपेश बघेल ने गोवर्धन पूजा के दिन को गौठान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। शुक्ल पक्ष प्रथमा को गोवर्धन पूजा होता है। और उसके बाद ध्यान रखना है द्वितीया को, शुक्ल पक्ष द्वितीया, ठीक है। शुक्ल पक्ष द्वितीया, द्वितीया को कौन सा पर्व होता है, आप सभी को पता होगा कौन सा पर्व हो जाएगा द्वितीया को, द्वितीया को हो जाएगा भाई दूज, ठीक है, भाई दूज। और कहीं कहीं इसको, कहीं कहीं इस दिन मातर, ठीक है, मातर त्यौहार के रूप में भी मनाते हैं, ठीक है। रखना मातर त्योहार को यादव द्वारा मनाया जाता है, यादव जाति के द्वारा मनाया जाता है, समझ में आ गया जी। तो कृष्ण पक्ष तेरस, धनतेरस, चौदस को नरक चतुर्दशी, अमावस्या को दीपावली, शुक्ल पक्ष प्रथमा गोवर्धन पूजा, शुक्ल पक्ष द्वितीया भाई दूज या मातर पर्व, ध्यान रखना। और गोवर्धन पूजा के दिन गौठान, ठीक है, गोवर्धन पूजा को गौठान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया जा चुका है, समझ आ गया, और मना भी रहे हैं। चलो अब उसके बाद देखते हैं कार्तिक माह में, कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष, ठीक है, शुक्ल पक्ष। कार्तिक माह में ही शुक्ल पक्ष नवमी, कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष नवमी को आपको ध्यान रखना है, आंवला पूजा होता है, क्या होता है, आंवला पूजा, क्या होता है जी, आंवला पूजा है ना, आंवला पूजा होता है। और आपको ध्यान रखना है इसी कार्तिक माह में, कार्तिक माह में एकादशी को, शुक्ल पक्ष एकादशी, ठीक है, छोटी दिवाली जी, आपको पता होगा शुक्ल पक्ष एकादशी। तो कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष एकादशी को कौन सा त्यौहार मनता है, तुलसी विवाह, ठीक है, तुलसी विवाह पर्व है ना, तुलसी विवाह पर्व हो जाएगा, तुलसी विवाह पर्व। इसी को ही किस नाम से जानते हैं, जेठौनी या देव प्रबोधिनी, या इसी को ही देव प्रबोधिनी पर्व के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, देव प्रबोधिनी पर्व के नाम से भी जाना जाता है। और इसी को छत्तीसगढ़ी में खुशियार, ठीक है, खुशियार तिहार, ठीक है, खुशियार तिहार के नाम से भी जानते हैं, ये ध्यान रखना है, ले रहे। तो कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष तेरस, धनतेरस, चौदस को नरक चतुर्दशी और अमावस्या को दीपावली, अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष आएगा। तो शुक्ल पक्ष प्रथमा को गोवर्धन पूजा, इसी को गौठान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया जा चुका है। और शुक्ल पक्ष द्वितीया, भाई दूज और मातृ त्यौहार इसी दिन मनाते हैं। शुक्ल पक्ष नवमी को आंवला पूजा और शुक्ल पक्ष एकादशी को तुलसी विवाह, जेठौनी या देव प्रबोधिनी पर्व या खुशियार त्यौहार के नाम से इस पर्व को जानते हैं, ये मनाया जाता है, क्लियर है, ठीक है। कार्तिक के बाद कौन सा माह आएगा, भादो, कुंवर, कार्तिक। कार्तिक के बाद आएगा अघन, ठीक है, अघन। अघन माह में आपको ध्यान रखना है, अघन माह में, अघन माह में प्रत्येक गुरुवार को, अघन माह में प्रत्येक गुरुवार को ध्यान रखना है, अघन माह में प्रत्येक गुरुवार को लक्ष्मी माँ की पूजा किया जाता है, ठीक है, लक्ष्मी माँ की पूजा, लक्ष्मी माँ की पूजा किया जाता है अघन माह में प्रत्येक गुरुवार को, ठीक है, अघन माह में, समझ में आ गया आगे सभी को, ठीक है। तो हमने देख लिया चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुंवर, कार्तिक, फिर उसके बाद अघन, अघन के बाद कौन सा माह आएगा जी, पौष, ठीक है, अघन के बाद कौन सा माह आएगा, पौष माह, ठीक है, पौष माह। तो आपको ध्यान रखना है पौष माह में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से हमारे सीजीपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। पौष माह में शुक्ल पक्ष, पौष माह में शुक्ल पक्ष एकादशी, ध्यान रखना जी, पौष माह में शुक्ल पक्ष एकादशी को, पौष माह में शुक्ल पक्ष एकादशी को बड़े भजन का राम नामी का मेला लगता है, ठीक है, बड़े भजन का, बड़े भजन का राम नामी का मेला लगता है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, राम नामी का मेला लगता है, ठीक है, बड़े भजन का राम नामी का मेला लगता है, कौन से माह में, तो पौष माह में। और किस क्षेत्र में, तो आपको ध्यान रखना है ये सारंगढ़ एवं बिलईगढ़ क्षेत्र में, सारंगढ़ एवं बिलईगढ़ क्षेत्र में, ठीक है, बिलईगढ़, सारंगढ़ एवं बिलईगढ़ क्षेत्र में क्या होता है, बड़े भजन का राम नामी का मेले का आयोजन होता है पौष माह में। किस तिथि को, तो शुक्ल पक्ष एकादशी को, हमने गंगा दशहरा भी पढ़े हैं, कब कब, कौन से माह में, वैशाख माह में शुक्ल पक्ष दशमी, और अभी देखिए बड़े भजन का राम नामी का मेला, ये पौष माह में शुक्ल पक्ष एकादशी को, है ना। और आपको ध्यान रखना है पौष माह के पूर्णिमा, पौष माह के पूर्णिमा के दिन कौन सा पर्व मनाया जाता है, आपको सभी को पता होगा छेरछेरा पर्व, ठीक है, छेरछेरा पर्व, ठीक है, छेरछेरा पर्व हो जाएगा।
तो इस दिन किसान है, इस दिन किसान अपने खुशी को जाहिर करते हुए, क्योंकि उनका जो धन, उसका जो धन है या धान वगैरह जो भी लगा रहते हैं सब घर में आ जाता है, तो उस खुशी को जाहिर करने के लिए वो लोग छेरछेरा पर्व का आयोजन करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो छेरछेरा पर्व के दौरान छेरता गीत गाया जाता है, और छेरता गीत में क्या कहते हैं बच्चे, छेरछेरा कोटि के धान ला हेरे हेरा, सुने होगा आप लोग, ठीक है। तो पौष माह में शुक्ल पक्ष एकादशी को बड़े बहन का रामनवमी का मेला, और पौष माह की पूर्णिमा को छेरछेरा पर्व का आयोजन होता है, ठीक है। अगन के बाद पौष, पौष के बाद हो जाएगा माघ, एक माह इसके बाद और बचेगा, ठीक है। मांग, मांग माह में आपको ध्यान रखना, मांग माह में शुक्ल पक्ष, ठीक है, मांग माह में आपको ध्यान रखना जी, शुक्ल पक्ष पंचमी, मांग माह में शुक्ल पक्ष पंचमी को कौन सा पर्व मनाते हैं, तो बसंत पंचमी, कौन सा पर्व, तो बसंत पंचमी, ठीक है, बसंत पंचमी, मांग माह में शुक्ल पक्ष पंचमी को बसंत पंचमी पर्व का आयोजन होता है, ध्यान रखना, है ना, सरस्वती पूजा किया जाता है। अब एक लास्ट और बच गया फाल्गुन, ठीक है, फाल्गुन माह, फाल्गुन माह, तो फाल्गुन माह में क्या होता है आपको ध्यान रखना है, कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को महाशिवरात्रि का आयोजन होता है ना, ध्यान रखना है, फाल्गुन माह में, फाल्गुन माह में, है ना, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, ऊपर लिख रहा हूँ फाल्गुन का, यहाँ है ना, फाल्गुन का मैं ऊपर में लिख दे रहा हूँ, फाल्गुन माह में कृष्ण पक्ष त्रयोदशी है ना, कृष्ण पक्ष त्रयोदशी, फाल्गुन माह में कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को कौन सा पर्व मनाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है महाशिवरात्रि, कौन सा पर्व, महाशिवरात्रि, इस महाशिवरात्रि के अवसर पर हमारे राजिम में मेला का आयोजन होता है, पता होगा, ठीक है, जिसे छत्तीसगढ़ का प्राग कहा जाता है राजिम को, है ना। और इसे फाल्गुन माह के पूर्णिमा के दिन, आप सभी को पता होगा, इस फाल्गुन माह के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है होली, है ना, या होलिका दहन, ठीक है, फाल्गुन माह के पूर्णिमा के दिन होलिका दहन पर्व को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और होली के दूसरे दिन ध्यान रखना है जी, होली के दूसरे दिन, होली के दूसरे दिन मेघनाथ पर्व मनाया जाता है, कौन सा पर्व, तो मेघनाथ पर्व, किस जनजाति के द्वारा, तो गोड एवं कोरकू जनजाति के द्वारा, है ना, जब मैं पूरा डिटेल करूंगा तो बताऊंगा, हो गया, समझ आ गया, ठीक है। एक बार मैं जल्दी से फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ, हमने देखे सबसे पहले चैत्र माह में हमने देखे शुक्ल पक्ष नवमी, रामनवमी, इस रामनवमी के अवसर पर चार जगह मेले का आयोजन होता है, कहाँ का, डभरा का, है ना, खल्लारी का, डोंगरगढ़ का और भोरमदेव का। फिर इसी चैत्र माह में बस्तर अंचल में माटी त्यौहार और सरगुजा अंचल में कौन त्यौहार, सरहुल त्यौहार मनाते हैं, और बस्तर जिला में चैत्रही पर्व, और सुकमा के छिंदगढ़ विकासखंड में गोबर बोरनी पर्व, चैत्र माह हो गया। चैत्र के बाद वैशाख, ठीक है, वैशाख माह में शुक्ल पक्ष तृतीया, अक्षय तृतीया, इसी को अक्ति त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है, और बस्तर अंचल में अरवा तीज, बैसाख हो गए। उसके बाद ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष दशमी को गंगा दशहरा का आयोजन चिरमिरी और बैकुंठपुर क्षेत्र में, है ना, और इसी ज्येष्ठ माह में बस्तर अंचल में भीमा यात्रा पर्व, चैत्र बैसाख ज्येष्ठ हो गया। आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष द्वितीया को गोंचा पर्व मनाया जाता है बस्तर अंचल में, आषाढ़ में हो गया। फिर सावन माह से अमावस्या को हरेली पर्व, है ना, और पंचमी को, शुक्ल पक्ष पंचमी को नाग पंचमी, और शुक्ल पक्ष नवमी से पूर्णिमा कजरी त्यौहार हो जाएगा, और पूर्णिमा के दिन रक्षाबंध हो जाएगा सावन में। सावन के बाद हो जाएगा भादो में, यहां से देखो मैं लिखा हूं, भादो में कृष्ण पक्ष प्रथमा भोजली विसर्जन, चतुर्थी को बहुरा चौथ, षष्ठी को हल षष्ठी या कमर छठ, अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी, और अमावस्या के दिन पोला। फिर शुक्ल पक्ष तृतीया में देखिए, ये तो कृष्ण पक्ष की बात हुआ, फिर शुक्ल पक्ष की तृतीया में देखते हैं तो तीजा पर्व, चतुर्थी में गणेश चतुर्थी, और पूर्णिमा में नवाखई हो जाएगा। कुहार माह में कृष्ण पक्ष प्रथमा को अमावस्या, है ना, और कुहार माह में कृष्ण पक्ष प्रथमा से अमावस्या में पीतल पक्ष हो जाएगा, और शुक्ल पक्ष प्रथमा को प्रथमा से नवमी नवरात्रि हो जाएगा, और दशमी को विजयदशमी, और पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा, ये मनाते हैं, है ना। देन देखिए हम लोग कार्तिक में कृष्ण पक्ष तेरस धनतेरस, चौदस में नरक चतुर्दशी, अमावस्या में दीपावली, शुक्ल पक्ष प्रथमा में गोवर्धन गोठान दिवस, और शुक्ल पक्ष द्वितीया को भाई दूज और मातृ त्यौहार, और शुक्ल पक्ष नवमी को आंवला पूजा, और शुक्ल पक्ष एकादशी को तुलसी विवाह या जेठौनी पर्व के नाम से जानते हैं, ठीक है, जिसको वो मनाया जाता है। फिर अगन में प्रत्येक गुरुवार को लक्ष्मी माँ की पूजा, पौष में शुक्ल पक्ष एकादशी को बड़े भजन का रामनवमी का मेला, है ना, और पौष माह की पूर्णिमा को छेरछेरा पर्व, और माघ में शुक्ल पक्ष पंचमी को बसंत पंचमी सरस्वती पूजा होता है, और फाल्गुन में कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को महाशिवरात्रि, फाल्गुन की पूर्णिमा को होलिका दहन, और होली के दूसरे दिन मेघनाथ पर्व गोड़ एवं कोरकू जनजाति के द्वारा, है ना। इस प्रकार से देखिए हमने छत्तीसगढ़ में कौन कौन से मंथ में कौन कौन से पर्व मनाए जाते हैं, अभी बस हमने बस पर्वों के नाम बस देखे कौन कौन से पर्व मनाते हैं, कौन तिथि को मनाते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में और जो विशेष बातें हैं मैं इसको नेक्स्ट इसके पार्ट में आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। तब तक आप लोग अच्छे से रिवाइज करिए, धन्यवाद।